अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। एक मिनट गाइस, ये रीटेक में दिखाता हूँ, जरा ओवर चल रही है आज, दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग जो है ना वो ये है कि आज हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अजीज, हम दिल मोहब्बत से भरे हुए आदमी ने की है हमारी दावत, जिसका नाम है सफदर भाई के बेटे ने हमारी दावत रखी है। उन्होंने कहा है फिक्स डॉट टाइम पे आना, जरनाब बिल्कुल रेडी नहीं है, मैं बस फटाफट से शावर लेने जा रहा हूँ और फिर आपका भाई तो 5 मिनट में रेडी रहता है और हम पहुंच जाएंगे। और मैं आपसे जल्दी रेडी होती हूँ, हार्डली 3 मिनट्स। रेडी होने के बाद चलते हैं मास के घर, वहाँ के कार्यक्रम देखते हैं, बेबी बॉस से मिलते हैं। बेबी बॉस उनके बर्थडे के बाद हम नहीं मिले हैं, तो लेट्स गो। सबा देखो, तुम्हारा नाम नहीं लिया, बड़ा भाई भाई करती हो, भाई भाई करती हो। ये सर नाम ने मुझे कहा था कि लाली अभी नहीं बोलना, फिर मैं से बोलूंगी, ठीक है ये, वरना सबा छोटू, यू नो यार छोटू। ये आग लगाने लगी, ये बैठी सामने, ये कैसे तो ना इशारे करी, कैमरे में फीचर नहीं है, वरना ठक करके दिखाता अभी। फाइनली आज मैडम ने बोला कि मैं आ ही जाती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि ये तो जी फाइनली मैडम ब्लॉग में आ गई हैं, क्योंकि ये तो ब्लॉग में, गाइज अगर आप बोलते हो ना ब्लॉग में डिले क्यों आ रहा है, उसका रीजन है इतना बड़ा ये, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ रोज ब्लॉग बनाए, ये नहीं बनाती, ये सुस्त हुई में बिल्कुल, ये बोलती है बस कुछ नहीं करना मैंने, मैं बैठी रहूँ। खैर चले, हम रेडी होते हैं। 1 2 3 चेंज कर लिया हमने, रेडी हो गए हम। इन बिटवीन चेंज करते हुए क्या क्या हुआ पहले वो देख लो। ये नई किस्म की खांसी आई मार्केट में। कार्टून नेटवर्क करके आ गया था, चलिए उसके बाद डाल दे, नहीं ट्रांजिशन के बाद तो पूरा तैयार है ना। मुझे ना सनग्लास लगा के लगता है कि उसमें तैयार हो गई। सबा ये वजह है हमारी लेट आने की, सही है, पिछले आधे घंटे से जो है ना पता नहीं शर्ट से क्या निकालना चाह रहे हैं यार। मतलब मुझे ना OCD है कि ये टी शर्ट पे भोर ना दिखा, हालांकि सामने वाले को नहीं दिखता, ये मुझे पूरा मार्केट सारे ब्रांड समझा चुके हैं, पर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये नहीं दिखना चाहिए। हालांकि ब्रश भी है मेरे पास, पर ब्रश इतना काम का नहीं जो टेप काम करती है, ब्रश ट्राउजर वगैरह पे कर जाती, मोटा मोटा काम करती थी, मगर ये लेयर्स निकालने के लिए जो है ना जी अच्छा ठीक है भाई, ये देखें ना, ये देखें क्या क्या क्लास, ओए होए मैडम के क्लचेस जो मम्मा लेकर आई, उस मैडम को सब अच्छे लगे हैं ही अच्छे। कौन सा वाला आज कैरी कर रही हैं फिर आप? पिंकी पिंकी पोंकी, फारूक भाई बॉट अ डोंकी, ये री डोंकी लारे मेरी डोंकी। मुझे तो दिख ही नहीं रहा कुछ, ये कितने हैं? 2। चलो लेट्स गो। यहाँ हम रुके हैं भाई के लिए और भाभी के लिए बुके लेने हैं, और लारे ने बोला कि मैं जाके खुद बनवाऊंगा बुके। ये बुके लेकर आए हैं फाइनली हस्बैंड मेरे। फ्लैश खोलना था डोंकी कॉन्ग, क्यों फ्लैश इतना मजे का आ रहा है, ऐसे भी 15 Pro Max है ये। मैं कहना चाह रहा था कि माज और छोटी भाभी सबा है बहुत कूल, इसीलिए हमने उनके लिए लिया है। हम अपने छोटू के लिए वो गिफ्ट लेने आए हैं, लारा भी यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि कोई एजुकेशनल गिफ्ट चाहिए। टेबल के साथ पूरा सामान है क्या, मतलब कह रहे अभी से पढ़े बेचारा, सारी उम्र ही पढ़ना है। नहीं कुछ एजुकेशनल हो ना उससे अच्छा ही होता है कि उसकी जो है ना वो अभी से अपब्रिंगिंग ऐसी होगी कि वो थोड़ा पढ़ाई छड़ाई में, मतलब ये चीपा पीपा तो होता ही रहता है सबने, कुछ थोड़ा सा सीखे ना हमारा। जब बड़े हो जाओगे ना देखना ये तुम्हारे मामू सब छोटे चाचू हैं, स्पाइडरमैन का कुछ ये देखें, अब अपना देखेंगे, मैं लूंगी गिफ्ट। भाई मुझे जो है ना वो ये म्यूजिक पॉकेट समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये पेन वाला वो भी है, स्लेट भी है, बोर्ड भी है, हाँ पेन बोर्ड भी है, ये हम घर जाके असेंबल करेंगे, हम ही करेंगे, हाँ हम करके देंगे। बाकी वो मेरा मास्क ही लेना जी। जरनाब को जब भूख लगती है ना उसका मतलब होता है कि भूख खम आ गया है, इसीलिए मैंने जरनाब के लिए 1 बाइट पैटीज ले ली हैं, ताकि ये थोड़ी देर के लिए। आई रिकमेंड 3 मिल्क केक। गुल मैंने एक नई चीज़ सीखी है,
कि जब जनाब को भूख लगती है तो भूखंप आ जाता है ना, खा ले, हंस के दिखाएं जल्दी से। रितेश आज से मिलके मुझे ये आया कि मैंने अलग अलग सॉक्स पहन ली। कैसे लिए अलग सॉक्स पहन लिए? हमेशा ऐसे करते हैं, ज्यादा कुछ पहनते हैं। मजा क्या लगता है? कुछ डिफरेंट भाभी, कुछ डिफरेंट भाभी ने हमें डराया पर अपने मियां को ही डरा दिया। मैं डर गया, वाकई डरा, मैं भी डरा था मगर शायद मैं कैप्चर नहीं करता हूं इतना। हाँ, ये रोज का प्रैंक होता है। और अगर मैं जरनाब को डरा दूं ना तो फिर मेरे साथ प्रैंक हुआ था, तीन दिन प्रैंक हो जाएगा। नाराजगी वाला कैमरा खुलते ही सीधे सर भी स्माइल, वो इन्फ्लुएंसर है भाई, इनका कंपटीशन है। बच्चों का कंपटीशन हो रहा है। KINGS किंग्स माज भाई ने बनाए हैं विंग। क्या क्या डायलॉग। माज और मेरी दोस्ती को हो गए कोई 7-8-9 साल, 7-8 साल नहीं, हाँ 7-7 साल, पर अंकल और मेरी दोस्ती हो गए कम से कम 20-25 साल, बचपन के दोस्त हैं। कंचे साथ खेलो? नहीं नहीं कंचे नहीं, वो एक दफा लूडो हार गया था ना बस अंकल से, तो उसके बाद उधारी देने के लिए हार गया। ये हमारी भाभी ने बनाए हैं भजन। ये जितनी भी डिशेज है ना, हाँ जी, सब ने एक एक बनाई है, मतलब लेडीज ने कर किया सही है। कुछ भाभी ने बनाया है, कुछ सबा ने और कुछ मम्मा ने। Nice. बाकी फरी ने सिर्फ देखा है। आपको क्या हो गया है मुश्ताक? चलें खाएं। हर टेलर करता है कपड़े की सिलाई मिलाई, इसीलिए हम आज खा रहे हैं। नया ही बंदा है तू कोई भाई। भी नया है कोई। ये डायलॉग में कई उम्र नहीं सुने कभी भी। भाभी ऐसा वाहिद हो जो गुस्से वाली शक्ल से लगती हो, पर वो अल्लाह की बात कर रहा हूँ ना, क्या झूं 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 अच्छा हम जब मिलते हैं ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी भाभी है। ये बताए क्यों आते ही गिफ्ट ये आपका है ना, खाना खाने ला रहे भाई, ये आपका साइज क्या था मैं बता रही, साइज ये था, ये आपकी मम्मा का है जो आप लेकर नहीं आए, बट अब आपने गिफ्ट लेके जाना है। ठीक है तो फिर डांटने की क्या बात है भाई। डैडी डैडी लाइक माज, माशाल्लाह माशाल्लाह, बॉस बेबी सो रहा है और अल्लाह भाभी कैंटीन खोली भी है, नीचे भी है, नीचे भी है। अच्छा सरना तभी बोली थी अरे भाई ड्रॉज के पास आगे खड़े हो जाना, वो तो लाए हो बस उनके लिए, वो तो हम करेंगे, वो जो है ना हम करेंगे। ये कौन सी गाड़ी है? इसको हमें असेंबल करना है। ये तो ड्राइंग कार है, ये है ये कार, चलने वाली भी, ये चलने वाली सब होगा इसमें, और तुम्हें बताऊंगा। अभी पहले हम बड़ों वाली बातें कर लेंगे, बच्चों वाली बातें होएंगे, अभी डिस्कशन चल रही है हमारा। एक मिनट भाई, सबसे मजे की चीज है जनाब ने बड़ी मेहनत से जो है ना वो बीच को छीला और वो खाली निकला। अमिताभ बच्चन की एक मूवी है जिसमें गाना था शावा शावा, और माज की अम्मा लेकर आ रही है हमारे लिए कावा। माज और भाभी ने बोला कि जरनाब कावा पी लो, मैं 2500 दिन से बोल रहा हूँ कावा पी लें, गले का दर्द से हो जाएगा। नहीं, मियाँ की बात और होती है, भाभी की, भाई की, अम्मी की बात और होती है। कौन बोलेगा कि इसकी शादी हुई है, ये फुटबॉल चल रही है। बेटा चलो कमरे में बैठे, बेटा चले कमरे में, अच्छे बच्चों की तरह बैठे, बात होती किसी के घर जाके बदतमीजी। ओके मेरी परदादी। सीढ़ियां जहाँ पर है भाग भाग के वहां से कूदो और हम खेलेंगे। और यहाँ हम खेलेंगे लूडो। कौन जीत रहा फिर देखते हैं यार, जिसने जिसने पहले भुगाली वो जीत गया भाई। ये गेम है, माज भाई ने बता दिया। ओए भाई ये ड्राइवर सही नहीं है हमारा, ड्राइवर बच्चे को बेचारे एक्सीडेंट। चलो देखते हो जिसको जिससे मार तो वो डीलती नहीं है। ये कौन सा नया रूल है? ये रूल है, मैं जीत गया, ये रूल है, अबे भाई मानो ये रूल है, उसे पूछो। नहीं नहीं ऐसा रूल होता नहीं, पर आपने नहीं बताया था, मैं जीत गया, मेरा जीत, चलो फिर जीत गया। अगर नहीं बताया रूल मैंने तो क्या फायदा इतने 2 छक्के लाने का जब जीतना ही मैंने था। चलो अब सेकंड बारी देखते हैं, सेकंड बारी लाले भाई ने जनाब की होड़ी मारी है। जब तक सबा भाभी हार नहीं रही थी ना तब तक थी मासूम, जैसी जीती ना ये माफ किया जा चुप जा, कैसे बोला चुप जा चुप जा। ये बेगमों ने कहा था कि अगर हस्बैंड हार गए तो हम सजा देंगे, इत्तफाकन हम गरीब जीत गए। अब ये गए, हम मासूम हैं नहीं, हम ज्यादा मासूम हैं, सबसे ज्यादा मासूम तो ये था। हेलो अब ये गाड़ी को ले गए, हेलो बासिल तीन गाड़ी आ रही है, ये नहीं देख बासिल मसरूफ इतने घंटे नंबर आ रहे हैं हमारे।
मैं लेट हो गया, बासिल का पोस्टमार्टम कर दिया था इसने। बासिल बाबा क्या कर रहे हैं आपके साथ? पूरा खाते हैं इसको तो बाबा। पूरा खाएंगे मैंने तो ताली मारी थी। ये तो गाली समझ गया। सॉरी सॉरी। बस 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 डर गया। क्या हुआ नारे भाई? क्या हुआ? 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 क्या बच्चों के बच्चे हो रहे हैं। क्या ही बात है। ये अब असेंबल करेंगे। ओह अच्छा। लगेंगे जो इस पे लिख सकते कुछ भी। हाँ अब बैठे बोर्ड है ये। इसका पता है मुझे। एक चीज तो हुई। एक चीज हो। पाए लगाओ। इसके पाए लगाओ। पाए आप ही ला रहे हो। गलत लगा रहे। आउटवर्ड्स होंगे ना ये। ये तो दोनों आपस में हो गए। ऐसे तो नहीं है ये। गलत लगाए। यहाँ कुछ और लगना है। गाइस देखो मेरे एक चीज समझ आ गई। टायर में लगेगा। नकल के लिए अकल की जरूरत है। एक टायर हो गया मेरा रोडाल है। ए सपा भाभी कुछ नहीं हुआ मेहमानों के साथ। और कोई भी नया बंदा आता है ना तो पता है क्या करता है। पहले देखेगा और अगर उसके बाद छोड़ दिया तो रोना शुरू। ये इसी में ना ये देखिए ना क्या गलत बोल रही क्या मैं झूठ। ओए सभा से मार ना खा लिएगा आप। झूठ बोल रही क्या मेरे लोगों को? इन लोगों मेरे पे भरोसा ही नहीं। जागू नहीं रहे यार। सो भाई इन लोगों से तो बिल्कुल भी कुछ काम नहीं हो रहा। मैंने लारे भाई का ब्लॉग पकड़ लिया है। दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं। एक बच्चे की गाड़ी संभल कर रहे हैं। हाँ ये कहा लगेगा सही लगा दिया। अभी चले आप दोनों उठे हुए मैं और जनाब बैठेंगे। देखिएगा एक मिनट में हो जाएगी। कुछ तो गलत कर रहे हैं। सही कर बच्चों के खिलौने में यही है। बच्चों के खिलौने में ना यही है। बच्चों के खिलौने में क्या है? ये भी यही है। आगे तो बोले क्या हो गया? ये भी गलत हो जाएगा। नहीं हो गई। स्लेट स्लेट फिक्स भी हो गई। ये बंदेगी भी यहाँ से ना थोड़ी सी। पेन किधर गया? ओ निकल जा पेन। वो तू मुझे खींच रहा है। तू पेन छोड़। इसको पेन नहीं। मेरे भले ही बंदेगी नाले पर। ये तो पेन पास भाई तब से पेन निकाल रहे हैं। पीछे से धागा खींच रहे हैं। नाले पर पीछे से बांध मेरे रख के ये और तोड़। अच्छा हाँ अब हुआ ये। अब कुछ हो रहा है। अब ये लास्ट चीज है। लास्ट चीज़ है। लास्ट चीज़ लास्ट चीज़ लास्ट और अब उसने खुद ही दे दी। ये चलो भाई खेलो। स्टिकर तो लगा। स्टिकर तो लगा। स्टिकर बाद में लगा लेंगे। चलो भाई चलाओ 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 चलो चलाओ। बासिल अपनी अम्मा की और जरनाब ताई की हेल्प कराते हुए स्टिकर्स लगा। जरनाब सबकी ताई बन रही है। जरनाब की ताई। हाँ मैं सबकी ताई हूँ। चाची नहीं किसी का। चाची होंगी ना शहीर की। हाँ नहीं ना ताई होंगी। क्या हो गया? आपसे बड़ा नहीं है कोई। दोनों प्यारे अम्मा बेटे। चलो जी बासिल मजा आया भाई। बाप के साथ भी मजा आ गया भाई। बासिल बाय बाय। बासिल तुमसे डर रहा है और कुछ? बासिल ने मेरे से सही डरा है। इतनी बातें कर ली कि रात का एक बज रहा है। एक बज गए। एक बज गए। इतनी बातें की हैं समझो इतने सालों की बातें होंगी हमारी। मगर लूटा तो मैं जीत गया। लूटो तुम जीत गए हो। फर्स्ट और फेल। जिम्मेदार शोहर घर में आते ही याद आया कि वो गीजर वाला साइड बंद है। ये हमारे गिफ्ट्स जो महाज भाई और भाभी ने हमें दिए। धन्यवाद बहुत बहुत। ये हर दफा हमें गिफ्ट देते हैं यार। अच्छी नहीं है। चेंज हो जाएगी सर सुबह। थैंक यू। ये आंटी ने मुझे बाम दिया था माज की अम्मी ने गिफ्ट और मेरे ड्रेस के साथ मैच आई। सो भाई फाइनली अब हम आ गए अपने घर होम स्वीट। हाँ अभी अभी मैं इमली खा के आती हूँ जो माज की मम्मा ने मुझे दी। वेरी गुड छोटे भाई बहुत मजा आया। थैंक यू भाभी छोटू। थैंक यू महाज। थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी। इतना अच्छा डिनर होस्ट करने के लिए हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और यूसरा भाभी ने तो
माइंड ब्लोइंग चिकन विंग्स बनाए थे विंग्स। और सबा छोटू ने जो बलोची टिक्का बनाया था हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था सबा को कुकिंग आती है। तो बहुत मजा आया छोटू के साथ खेला। इन दी एंड छोटू की मेरी दोस्ती थोड़ी सी हो गई, वो हंस गया था मुझे देख के, वरना वो मुझे देख के यार मैं कितनी प्यारी हूँ। तो बस ये था हमारा ब्लॉग, देखते हैं आगे कौन सी दावत आने वाली है। तो आप सबसे पहली दावत हमारी सबसे पहली दावत माज ने करा, उसने बोलता कि लाली हमें दे दो टाइम, दोनों को लाजमी बहुत सारा प्यार एंड मोहब्बत भाइयों, थैंक यू सो मच, शी इज अ मगर मच। और ख्याल रखो ये था हमारा ब्लॉग, दावत का ब्लॉग, लाली आउट। ओए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो गाइस, मेक इट 500K स्ट्रांग ASAP। 500K पे क्या करेंगे हम? 500K पे आपके बाल काट दूं। 500K पे हम अपने कोई से भी दोस्त सब्सक्राइबर से मिलेंगे हैं। चलो डन हो गया भाई, हम अपना बहुत ख्याल रखें, इसी तरह प्यार बरसाते रहें, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें, लाली आउट, लाली की बेगम भी आउट। ओके द बाय।